हेलो गाइस, वेलकम टू सपोर्ट आईटी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कैनन का GM4070 प्रिंटर में ऑन करने के बाद रेड लाइट ब्लिंक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। मैंने प्रिंटर को जैसे यहाँ पर ऑन किया है, यहाँ पर देखिए रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, देख पा रहे हो। और यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक करने के बाद कोई भी जेरोक्स या फिर प्रिंट नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे ठीक करना है, ये एकदम सिंपल प्रोसेस है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मेरे प्रिंटर के डिस्प्ले में एक एरर कोड आ रहा है E502। तो पहले आपको प्रिंटर को ऑफ कर देना है। यहाँ पर मैं प्रिंटर को ऑफ कर दे रहा हूँ। ऑफ करने के बाद प्रिंटर के सेटिंग मोड में जाने के लिए यहाँ पर आपको सेटिंग बटन में प्रेस करना है, उसके बाद स्टॉप बटन में, फिर पावर बटन में, फिर आपको स्टॉप बटन में 5 टाइम प्रेस करना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है। ये करने से प्रिंटर का सेटिंग मोड ओपन हो जाएगा। इसमें मेन सेटिंग है, क्या करने से आपका ये प्रॉब्लम ठीक होगा मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहाँ पर मेरा पेपर ट्रे में देखिए पेपर है, तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ वैसे आपको करना है, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो कौन सा सेटिंग मिस हो जाएगा जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटर रेडी हो रहा है। जब ये ग्रीन लाइट स्टिल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटर प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सॉफ्टवेयर की वजह से आता है। प्रिंटर में अगर सॉफ्टवेयर चला जाता है उसके वजह से रेड लाइट ब्लिंक करता है। तो यहाँ पर प्रिंटर रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको स्टॉप बटन में फिर से 5 टाइम प्रेस करना है। जब आप प्रिंटर के स्टॉप बटन में प्रेस करोगे तो यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक होगा। उसके बाद आपको पावर बटन में एक बार प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करेंगे प्रिंटर ये प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगा। पहले यहाँ पर प्रिंटर ऑन होने के बाद रेड लाइट ब्लिंक कर रहा था, देख पा रहे हो। सॉफ्टवेयर मोड में ये आपको करना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये करने से आपका प्रिंटर में एक प्रिंट निकल के आएगा। थोड़ी देर आपको वेट करना है ये प्रोसेसिंग होने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटर ब्लिंकिंग हो रहा है। जब ये ग्रीन लाइट स्टिल हो जाएगा तब आपको प्रिंटर को बंद कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टिल हो गया, मैं प्रिंटर को ऑफ कर दे रहा हूँ। ऑफ करने के बाद लीगल शीट में आपको पेपर रख देना है। उसके बाद फिर से प्रिंटर को ऑन कर दे रहा हूँ। प्रिंटर को ऑन करने के बाद अभी प्रिंटर देखते हैं प्रॉब्लम ठीक हुआ है कि नहीं। देखिए अभी कोई एरर नहीं आ रहा है, मतलब हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। अभी हम लोग एक जेरोक्स करके देखेंगे ये प्रिंटर जेरोक्स करता है कि नहीं। तो जैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाया वैसे आपको करना है, तभी आपका ये प्रॉब्लम ठीक होगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट बटन में प्रेस कर दे रहा हूँ। देखिए स्कैनिंग होना शुरू हो चुका है, मतलब अभी ये कोई एरर नहीं आ रहा है। जैसे मैंने दिखाया वीडियो में वैसे करने से आपका ये प्रॉब्लम ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में।